अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम सैयद सैदौन है और आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं आई होप सैटरडे आपका मज़ेदार गुजर रहा होगा और आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज मेरी रीसेंट वीडियोस के कमेंट सेक्शन में एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया बेसिकली एक भाई ने दो पूरे पैराग्राफ लिख दिए लेकिन ऐसा ऐसी कमिटमेंट ऐसी डेडिकेशन मेरे कॉन्टेंट के साथ उन लोगों की कि जो कॉमेंट सेक्शन के अंदर पूरे पूरे सफ़ात यानी पूरे पूरे पैराग्राफ्स लिख देते हैं अपना मसला बयान करने में और रहनुमाई हासिल करने के लिए तो बनता तो है कि उनके इस इन इन सवालों के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाए और उनके सवाल इंपॉर्टेंट भी होते हैं जैसे अभी अपनी स्क्रीन पे आप एक भाई का सवाल देख रहे हैं बहुत बड़ा उन्होंने तकरीबन दो पैराग्राफ लिखे थे आ, मैं इसका ख़ुलासा आपको बता देता हूँ कहना बेसिकली ये चाह रहे हैं कि पहली बात तो ये कि जब भी मार्केट को ये एनालिसिस मार्केट का करते हैं और जब लेवल्स को मार्क करते हैं तो जब उन लेवल्स के ऊपर मार्केट आती है तो इनसे ट्रेड नहीं ली जाती यानी कि ये वो जो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी एनालिसिस पर एलासिसिस का शिकार हो जाते हैं कि इतना एनालाइज़ कर लेते हैं मार्केट को कि जब एक्चुअल मार्केट आती है इनके मार्क्ड एरियाज़ के ऊपर तो इनसे एक्ट नहीं किया जाता दूसरा ये बात कर रहे हैं कि जब ये एक्ट करते हैं तो इनके स्टॉप हिट हो जाते हैं और सबसे परेशानी वाली बात जो इनको परेशान रखे हुए है वो ये कि ज़्यादातर इनके साथ ऐसे होता है कि मार्केट इनका स्टॉप हिट करने के बाद वापस इनकी फेवर में चली जाती है और ये मुंह देख रहे होते हैं मार्केट का कि यार मैं मेरी जो डायरेक्शनल मूव के ऊपर जो मैंने आइडिया बिल्ड किया था वो तो ठीक था मैं मुझे लगता था मार्केट ऊपर जाएगी वाकई मार्केट ऊपर गई लेकिन मैं स्टॉप खा के गई तो इसका वो कह रहे हैं कोई तरीका बता दें कि ये मैं क्या इस जो एक सर्कल के अंदर एक भंवर के अंदर मैंने फंस गया हूँ तो मैं कैसे इस सर्कल से निकलूँ और एक अच्छी और रीज़नेबल सेंसेबल और सक्सेसफुल ट्रेडिंग की तरफ मैं बढ़ूँ तो आज की वीडियो मेरे भाई डेडिकेटेड है आपके लिए ये साहब हैं जो अक्सर मेरी वीडियोज़ के कॉमेंट सेक्शन में टाइम टू टाइम कॉमेंट करते रहते हैं और तभी मैंने आपको मैं बोलता हूँ कि ये जो मार्केट अपडेट में आपके लिए लेके आता हूँ कंसेप्चुअल बातें आपके साथ करता हूँ तो अब मेरे से बातें किया करें कॉमेंट सेक्शन में जो आप लोगों के कॉमेंट्स होते हैं पढ़ता हूँ और खासतौर पर वो कॉमेंट्स के जिनके जवाब ना सिर्फ पूछने वाले बल्कि बाकी सबकी रहनुमाई कर सकते हैं उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना के मैं आपसे मुखातिब होता हूं तो आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं इससे पहले कि हम डिटेल्स में जाएं अगर कंटेंट आपको एंड पे पसंद आए मेरी बातें अगर आपके वक्त में वैल्यू ऐड करें तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा चलें तो इनके बेसिकली जो मसले हैं वो दो बड़े मसले हैं सबसे पहला पहला मसला तो ये है कि एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार होते हैं कि इन्होंने मार्केट क्या को एनालाइज़ किया एनालिसिस अपना पूरा किया कि जिसके अंदर इन्होंने देखा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है लेथ सपोज मार्केट का बुलिश ट्रेंड है उस बुलिश ट्रेंड के अंदर उसके बाद दूसरे नंबर पर फिर इन्होंने सपोर्ट लेवल्स को मार्क किया वो लेवल्स के जहाँ से कीमतें ट्रेंड की डायरेक्शन में उठ सकती हैं जब मार्केट उन लेवल्स को टेस्ट करती हैं जो पॉइंट्स इन्होंने प्राइस चार्ट पर मार्क किए हैं तो इनसे एक्ट नहीं किया जाता तो भाई आप एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार है ये टर्म यूज़ की जाती है ट्रेडिंग के अंदर के जहाँ पर आप इतना ओवर एनालाइज़ कर लेते हैं मार्केट ट को आप एनालिस्ट बन के रह जाते हैं मार्केट के अंदर लेकिन ट्रेडर का जो एज अ ट्रेडर आप मार्केट में एक्ट नहीं कर पाते तो इसका मतलब ये है कि सबसे इसमें दो तीन चीजें होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है दो काम आपने करने हैं पहले काम तो अपने ये करना है कि अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो पैसे आपके पड़े होंगे वो कॉवर्ड मनी नहीं होना चाहिए वो वो पैसा ना हो कि जिसको लूज करके आपका बेड़ा गर्क हो जाए प्रोग्राम बढ़ जाए आपका ये काम नहीं करना क्योंकि हर वो पैसा कि जिसके मार्केट में नुकसान होने पे आपके लाइफस्टाइल का प्रोग्राम बढ़ता हो उस वो कोविड मनी कहलाता है ट्रेडिंग मार्केट्स में तो उस कोविड मनी के लूज़ होने के डर से जब मार्केट आपकी एनालिसिस के मुताबिक काम भी कर रही होती है तो आपसे उंगली नहीं की जाती यानी कि बाय या सेल के बटन पे आपसे ये ये नहीं किया जाता तो आपने कोविड मनी से मार्केट में काम नहीं करना दूसरा यह कि आपने किसी एक ट्रेड पे रिस्क एलोकेट करना है यानी लेक सपोज तो अगर आपके पास 500 डॉलर या हज़ार डॉलर या सौ डॉलर पड़ा हुआ है तो आप पहले से फैसला कर लें कि यार ये जो मैंने मार्केट की एनालिसिस की है और अगर बुलिस ट्रेंड में सपोर्ट लेवल के ऊपर मार्केट आती है और कोई कैंडल पैटर्न के जरिए कॉन्फर्मेश देती है कि मार्केट सपोर्ट लेवल से ट्रेंड की डायरेक्शन में ऊपर जाने वाली है तो वहां पर अपने टोटल हंड्रेड के ट्रेड अकाउंट में से दस डॉलर से ऊपर मैंने रिस्क नहीं देना तो क्या होगा कि जब अपना जो चीज़ें आपके कंट्रोल और इख्तियार में उनके ऊपर आप तैयारी कर लोगे काम कर लोगे तो फिर बटन दबाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा मसला यह है कि बटन के दबाने से पहले करने वाली चीजें आपने नहीं की होती तभी जब बटन दबाने की बारी आती है तो आपका दिमाग के अंदर होने लग जाता है आपको आपको हर किस्म की टली आपके दिमाग में खड़कने लग जाती है कि अच्छा यार रिस्क कितना देना है यह क्या करना तो यह सारा होमवर्क पहले से अगर आप करके रख लेंगे और आखिर पे सिर्फ बटन के दबाना रह जाएगा तो फिर जब मार्केट आपके मार्क्ट लेवल्स और एरियाज पर आएगी तो बड़ा आराम से दब जाएगा अगला मसला इनका जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या कि वो मवा या वो टाइम्स के जब वाकई मार्केट में एक्ट करते हैं और एक स्टॉप लॉस देते हैं तो मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम इनके स्टॉप को हिट करने के बाद क्या करती है कि दोबारा अपसाइड के ऊपर इनकी फेवर में निकल जाती है और फिर ये मुंह देखते रह जाते हैं इसका तरीका है दो तरीके इसमें मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले तो ये कि हमेशा जो भी स्ट्रक्चर आप ट्रेड कर रहे हो अगर आप एक बुलिश ट्रेड के मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ इसके लिए ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी मैं बता रहा हूँ ना इसके लिए मुझे स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी तो मैं यहाँ पे आपके सामने अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आप अभी देखेंगे चलें जी ये अपनी स्क्रीन पर आप ये एक प्राइस स्टार्ट मार्केट देख रहे हैं बिटकॉइन मार्केट और इसके अंदर भी बुलिश ट्रेंड आपको नजर आ रहा है तो बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ये दूसरी बात आपने की कि अगर लेट सपोज आपने एक बुलिश ट्रेंड को ट्रेड किया है तो कोशिश किया करें कि आपका स्टॉप लॉस ऐसी जगहों या ऐसे एरियाज़ के ऊपर आपको मिले

के नीचे यहां पे तो नहीं आ सकता समझ रहे हैं क्योंकि ये बुलिश ट्रेंड तो तब तक जिंदा है जब तक मार्केट इस स्विंग लो से ऊपर है ये मोस्ट रीसेंट हायर लो स्विंग सपोर्ट लेवल है तो यहां पे तो आपको ऑफेंसिव प्ले करना पड़ेगा अब यहां पे दो तरीके हैं आपके पास अगर आपको मिसाल के तौर पे बुलिश ट्रेंड के अंदर हायर कीमतों से कीमतों के मजीद हाई जाने के क्लू देने वाली कैंडल्स की शक्लों को एज अ ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के ट्रिगर के तौर पर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर आपने वॉल्यूम इंडिकेटर का इस्तेमाल करके पिछले चौदह दिन के एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा दस पंद्रह पॉइंट ज्यादा का स्टॉप आपने देना है दूसरा ऑप्शन आपके पास यह है कि अगर बुलिश ट्रेंड

तो अब ये वो बातें हैं मैं क्या करूं आप अब कहेंगे ऑन भाई ये मेरे लिए जो आपने बात की है कॉम्प्लिकेटेड है फिर बेसिक से सीख लो अगर ये जो मैं बातें कर रहा हूँ नहीं समझ आ रही तो फिर आ जाओ ना फिर बेसिक से सीख लो अगर किसी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं हो तो मेरे यूट्यूब चैनल अपनी स्क्रीन पे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ये मेरा यूट्यूब चैनल पड़ा है ट्रेडिंग कोर्स की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है पचास वीडियोज़ पड़ी हुई है इन्हीं कॉन्सेप्ट को स्क्रीन शेयर करके एक एक कॉन्सेप्ट को डिफि सेपरेट वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बिगनर प्रोफेशनल लेवल के ऊपर अगर आपने काम को सीखना है उसके लिए मेरे प्रीमियम ग्रुप ये डिस्कॉर्ड में आप देख रहे हो बिगनर्स से एडवांस लेवल पर पूरा तकरीबन को सौ लेक्चर्स का ट्रेडिंग कोर्स पड़ा हुआ है ये आप करके काफ़ी हद तक आपको पता लग जाएगा ग्रुप में डेली बेसिस पर सिग्नल्स भी दिए जाते हैं जिनको बाद में हम खुद मैनेज करते हैं मतलब कि उनको नेविगेट किस तरीके से आपने करना है मैनेज आप लोग खुद करोगे लेकिन हम बताते हैं कि कहां पर आपने एग्जिट होना है प्री प्रीमच्योर एग्जिट लेना है अर्ली टे प्रॉफिट प्रॉफिट्स लेने हैं या मार्केट में बैठना है उसके बाद डेली लाइफ स्ट्रीम्स होती हैं जिनका हिस्सा बनकर आप मार्केट वीडियो अपडेट हासिल कर सकते हो ये इससे पहले कि दोबारा प्राइस प्राइस्टार्स पर जाऊँ बता दूं कि मेरा ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपने महज मेरी वेबसाइट से येद डॉ कॉम पर जाना है ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैपे आप क्लिक करोगे इस पेज को आप स्कोल डाउन करेंगे डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है और एडमिशन फॉर्म दिया हुआ है जिसको इस्तेमाल करके को मेरे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर आप एनरोल कर सकते हो नाउ बैक टू द प्राइस चार्ट तो बताने का मकसद आपको यह है कि ये दूसरा आपका मसला है, इसमें आपने दो काम करने एक तो ये कि सबसे पहले देखना है कि किस स्ट्रक्चर को आप ट्रेड कर रहे हो अगर लेट सपोज आप रेंज बाउंड मार्केट को ट्रेड कंसोलिडेशन को ट्रेड कर रहे हो देखो कंसोलिडेशन किस ट्रेंड के अंदर अगर बुलिश ट्रेंड में ये कंसोलिडेशन रेंज बनी है तो लोअर एक्सट्रीम सपोर्ट लेवल से ट्रेंड की डायरेक्शन में बाय करो और इस एक्सट्रीम से नीचे आपका स्टॉप हो ए के नाम से यहां पर आप जाऊंगा ना इंडिकेटर्स के अंदर यह देखेंगे ए के नाम से एक इंडिकेटर यहां पर आएगी एवरेज ट्रू रेंज ये बेसिकली जो इंडिकेटर है यह वॉल्यूम इंडिकेटर है यह आपको बेसिकली बता रहा होता है इसमें अपनी मर्जी का टाइम हराइजन आप सेट करते हो कि लेट सपोज अगर दो हफ्ते का टाइम सेट करोगे तो पिछले चौदह दिन से एवरेज

साइड पे मार्केट ब्रेक भी करती है इंट्राडे के अंदर फॉल्स ब्रेक देती है और एवेंचुअली फॉल्स ब्रेक देने के बाद मार्केट ऊपर जाती है तो मेरा स्टॉप सेव हो जाएगा मेरा स्टॉप बच जाएगा स्टॉप प्लेसमेंट एक साइंस है बहुत बड़ी बात समझ रहे हैं तो स्टॉप प्लेसमेंट एक साइंस है बहुत बड़ी इसलिए ये कह लें कि ये एक पूरा चैप्टर है स्टॉप प्लेसमेंट का देखें आपने मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट किया आपके इस आ, आ, डेडिकेशन के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बना दी यहाँ पे लेकिन कैसे मैं इस समंदर को एक सात आठ दस मिनट की वीडियो में बंद कर दूँ कि ये वो टॉपिक्स हैं कि जिन पे घंटों बात की है मैंने ना सिर्फ अपने प्रीमियम ग्रुप में बल्कि जो पचास वीडियोज़ मेरे यूट्यूब पर फ्री ट्रेडिंग कोर्स पड़ा है उनमें भी तो वो जाकर जब आप देखोगे तो आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी हो जाएगी शुक्रगुजार गुजार हूँ आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए मेरी बातें अगर यूजफुल लॉजिकल लगी हो आपके वक्त में वैल्यूएट किया वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर कीजिएगा ख्याल रखें अपना मुझे इजाजत दें